हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है नात साहित्य से आप क्या समझते हैं तो इस क्वेश्चन का जो है मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आंसर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि नात्य साहित्य एक अनूठा साहित्य परंपरा है जो भारतीय साहित्य और दार्शनिक परम्पराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है इस परम्परा का मुख्य केंद्र नात सिद्धों और नाथ पंद के अनुयायियों के विचारों पर है फिर इसमें हम देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं हेडिंग डालेंगे और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट हैडिंग हो जाएगी इसके अंदर वो हो जाएगी तंत्र और योग तो इसमें हम लिखेंगे कि नाथ साहित्य में तंत्र और योग के सिद्धांतों को उच्चतम माना जाता है यहाँ योग और तंत्र को आत्मा के साक्षात्कार और मुक्ति के माध्यम के रूप में उत्कृष्ट किया जाता है फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसमें आत्मा की पहचान तो इसमें हम लिखेंगे कि नाथ साहित्य में आत्मा की पहचान और उसके अद्वितीयता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं यह साधकों को आत्मा के अंश में दिव्यता और एकता की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है फिर यहाँ पे हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अद्वितीयता का अभ्यास तो इसमें हम लिखेंगे कि नाथ साहित्य में अद्वितीयता का अभ्यास एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ भक्ति और साधना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच अद्वितीय संबंध की प्राप्ति का प्रमोटिंग किया जाता है और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है तो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा सभी आप उसके बाद नेक्स्ट एडिंग हो जाएगी नाथ सिद्ध परम्परा तो इसमें हम लिखेंगे कि इस साहित्य में नाथ सिद्धों की अद्वितीय जीवन दृष्टि योग्य अभ्यास और उनके अनुभवों पर जोर दिया जाता है फिर हमारे जो है इसमें आगे है लिखेंगे कि नाच साहित्य ने भारतीय साहित्य और धार्मिकता में एक अलग पहचान बनाई है जिसमें आत्मा के महत्वपूर्णता और उसकी अद्वितीयता का उद्घाटन है उद्घाटन है तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे